अनियन रिंग्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दो बड़े साइज के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने पील कर वॉश कर लिया है। अब मैं इसके स्लाइसेस कट करूंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी स्लाइस कट करनी है। बहुत थिन स्लाइस हमें कट नहीं करनी है। स्लाइसेस कट करने के बाद रिंग्स को अलग कर लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें अनियन रिंग्स को अलग अलग निकाल लेना है। और जो सेंटर का पार्ट बचता है, मैं इसे किसी और रेसिपी में यूज़ करूँगी, सेपरेट रख लेती हूँ मैं उसे। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, जिसमें मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। अब मैं इसमें पानी ऐड करके मिक्स कर लूँगी। इसमें करीब मेरा 1/4 कप से भी कम पानी गया है। इसका हमें एक थिक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें इसका पेस्ट बना लीजिए। अब मैं हमारी अनियन रिंग्स लूँगी, उसे हमारे पेस्ट में डिप करूँगी, अच्छे से कोट कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड क्रम्ब्स, और इसे भी मैं अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोट कर लूँगी सभी साइड से, और अंदर के साइड से भी मैं इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कवर कर लूँगी। ऐसा करने के बाद मैं इसे साइड में रख लूँगी, और सारी अनियन रिंग्स को इसी तरीके से हमें कोट कर लेना है। कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा था, इसमें मैं हमारी अनियन रिंग्स डाल दूंगी। अनियन रिंग्स डालने के बाद हमें इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। जैसे ही हमारी रिंग्स का कलर गोल्डन ब्राउन होने लग जाए, हमें इसे उस टाइम पे निकाल लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।